मुल्क भर की तरह लालिया में भी लालिया प्रेस क्लब और पाकिस्तान उलमा कौंसिल और बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मज़ीद जानेंगे राना मोहम्मद इकरामुल्ला से। जी मोहम्मद इकराम, बताइएगा मज़ीद इस हवाले से। जी मुल्क भर की तरह योम यकजहती कश्मीर के हवाले से तहसील लालिया में भी लालिया प्रेस क्लब, मानिया वेलफेयर एसोसिएशन और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर इहतमाम योम यकजहती कश्मीरी भाई मुसलमान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि अपना असिस्टेंट कमिश्नर से होती हुई गवर्नमेंट हमार अजीज शहीद तक से जारी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला चनियोट के कन्वेयर पाकिस्तान उलमा कौंसिल के हाफिज किफायतुल्लाह साहब। आइए उनसे जानते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों को और मोदी सरकार को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। कायद मोहतरम ताहिर मोहम्मद कश्मीरी साहब के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में आज योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस तरह जिला चनियोट की तहसील लालिया में भी भरपूर तरीके से कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई है, जिसमें हम इंडिया को मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरियत से हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह का है और इंशाल्लाह ताला रिश्ता क़यामत तक कायम रहेगा और हम इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर की आज़ादी तक हम अपना खून का खतरा देने के साथ तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। जी आपने सुना जिला चनियोट के कन्वेयर पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज किफायतुल्लाह का कहना था, हम खून के आखिरी कतरे तक और पाकिस्तान फौज के साथ हैं, हम किसी भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। कैमरामैन बिलाल हसन के साथ राणा मोहम्मद इकरामुल्ला, सिटी न्यूज़ लालिया। बहुत शुक्रिया इकराम तफसीलात से आगाह करने का। हम लाते हैं टॉप न्यूज़, आपके फेवरेट टॉक शोज़ और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।